पूजा तुमने मेरे ऊपर हाथ उठाया? क्यों क्यों ना मारू तुझे और तेरी आरती उतारू? यार तुम्हारा हस्बैंड हूँ मैं, कम से कम इतना तो सोचो। तो मेरे सर पे चढ़ के नाचेगा क्या? देख भूल मत, मैं एक पुलिस वाली हूँ और जब तुम बकवास करने की ना मेरे साथ जरूरत नहीं है, समझा? और चाबी कहाँ है गाड़ी की? पूजा आज मेरी ऑफिस में फर्स्ट प्रेजेंटेशन है, मुझे जाना होगा। अगर मैं टाइम से नहीं पहुँचा तो दिक्कत हो जाएगी। तो गाड़ी क्या, क्या दिक्कत हो जाएगी? ऑफिस तेरे नाम कर रहे हैं क्या ऑफिस वाले? बॉस को मुझे इम्प्रेस करना था तो पहले जाना होगा, अगर वो प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं हुई तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो आज गाड़ी मैं ले जाता हूँ। कोई जरूरत नहीं है गाड़ी से जाने की। और क्या कहा तूने कि अपने बॉस को इम्प्रेस करेगा? अपनी बीबी को तो कभी तूने इम्प्रेस किया नहीं। पूजा मैं ऐसा क्या करूँ, सब कुछ तो करता हूँ तुम्हारे लिए, तुम 24 घंटे ऐसे मेरे ऊपर हावी क्यों रहती हो? देख तुम मुझसे बकवास मत कर, अगर सुबह ही मेरा दिन खराब हो गया ना तो पूरा दिन बेकार जाएगा। ला जल्दी चाबी निकाल। पूजा मेरा जाना बहुत जरूरी है आज, तुम ऑटो से चली जाओ, मैं आज चला जाता हूँ, फिर कल से तुम रोज ले जाना। क्या मैं ऑटो से जाऊंगी? जब से मैंने ड्यूटी ज्वाइन की है मैं कभी गई हूँ ऑटो से? तू जाएगा ऑटो से, मुझे चाबी दे, मैं गाड़ी से जाऊंगी। मैं तो रोज ही जाता हूँ लेकिन आज तो आज भी जाना। और तुझे पता नहीं है क्या, दरोगा हूँ मैं, अगर ऑटो से जाऊंगी तो क्या सोचेंगे लोग मेरे बारे में? दरोगा तुम थाने में हो, घर पर मेरी बीवी हो, कम से कम इतना तो अधिकार रखने दो मुझे। इतना समझाती हूँ फिर भी जवान चलाएगा ना मेरे साथ? मुझे तेरी ये बकवास नहीं सुननी, चुपचाप चाबी निकाल दे वरना मैं आज बहुत कुछ कर बैठूंगी। कोई बात नहीं, मैं ऑटो से चला जाऊंगा, तुम चली जाओ। और किचन में साफ सफाई कर दी तूने? मैंने वो कपड़े धुल दिए, झाड़ू वगैरह भी लगा दी, खाना भी। बर्तन कौन तेरा बाप धोएगा? कौन धोएगा बर्तन? पूजा मुझे ऑफिस जल्दी जाना है, मैं मुझे तेरी ये बकवास नहीं सुननी, चुपचाप जाके ना किचन के बर्तन साफ कर दे और तब जाइयो, समझ गया? यार एक दिन बर्तन तो तुम भी धुल सक। जब देखो मेरा मूड खराब करता रहता है। और यहाँ पे खड़े मत रहे, जाके ना बर्तन धुल ले किचन के, कभी ड्रामे दिखाता रहे। कितनी देर हो गई, अभी तुझसे 2-4 बर्तन नहीं धुले। यार टाइम लगता है, बस धुल के रख रहा हूँ। इतना भी टाइम नहीं लगता जितना बन के दिखा रहा है तू। यार मुझे ऑफिस जाना है, बाकी के मैं आकर धुल लूंगा। तब तक ये ऐसे ही पड़े रहेंगे इसमें? यार मैंने बताया ना मेरी फर्स्ट प्रेजेंटेशन है। तुझे हर बार समझाऊं क्या? देख मुझसे ना ऊंची आवाज में बात मत किया कर, समझ गया? इन बर्तनों को धुल के और खाना लगा दे मेरे लिए, खाना खा के मुझे जाना है ड्यूटी। खाना मैंने बना के ऊपर किचन में रख दिया, तुम जाकर खा लो ना। तो करके कौन देगा, तेरा बाप? यार पूजा तुम ये कैसे बदतमीजी से बात कर रही हो मुझसे? अच्छा तो अब तू मुझे सिखाएगा तमीज क्या होता है? बकवास मत कर और ना ही मुझे उल्टे सीधे लेक्चर दे, मुझे सब पता है कि किस इंसान से किस तरह से बात की जाती है, तेरे जैसे रोज आते हैं मेरे पास। पूजा तुम कितनी बदल गई हो, शादी से पहले तुम ऐसी नहीं थी। मैं ऐसी ही थी लेकिन तू ऐसा नहीं था, कामचोर निकम्मा कहेगा। अब भाषण ना दे, ये बर्तन साफ कर और जल्दी से खाना लगा दे। हाँ छोटी। भैया नमस्ते। नमस्ते, कैसी है? भैया मैं ठीक हूँ, आप ठीक हो? बस मैं भी बढ़िया हूँ। भैया मैं ये कह रही थी, इस बार ना मेरे कॉलेज का सेंटर शहर में गया है, तो पिताजी कह रहे थे कि तेरा भैया भी उसी शहर में रहता है तो तुम वहीं चली जा। क्या भैया मैं कुछ दिनों के लिए आपके पास आ सकती हूँ? अरे तू पागल है, इसमें पूछने वाली कौन सी बात है, तेरा घर है, जब चाहे तू आ जा। ठीक है भैया।
कल आ रही है ना? जी भैया। ठीक है बेटा, कल आ जा। हाँ ठीक है। यहाँ पे क्या कर रहा है? तुझे पूरे घर में देख लिया। अरे वो बस बैठा था। वो क्या? वो मेरी अभी छोटी सी बात हुई थी तेरी बहन से। हाँ तो उसके ना इसी शहर में एग्जाम है बोर्ड के, तो वो बोल रही थी भैया मैं यहाँ पर रहकर एग्जाम दे सकती हूँ। मैंने कहा अपना ही तो घर है, तो वो कल आ रही है। मतलब तूने बिना पूछे और उसे यहाँ आने को बोल दिया? यार मुझे इसमें पूछने वाली कौन सी बात है, मेरा भी तो घर है। क्यों, ये धर्मशाला है क्या? यार अभी के अभी मना कर, यहाँ कोई नहीं आ रहा। यार वो बहन है मेरी, तुम्हारी ननद है यार। मैं बोल रही हूँ ना, अभी के अभी मना कर, कोई नहीं आ रहा यहाँ। मुझे सब याद है, कितने रंग दिखाए थे उसने मुझे। तुम वो बच्ची है यार, तुम कैसी बातें कर रही हो? तुझे समझ में क्यों नहीं आता जो मैं बोलती हूँ? तुझे बोल रही हूँ ना, मना कर तो मना कर। इतने पैसे नहीं है मेरे घर में जो बिला वजह के खर्चे करती फिरूं। यार उसके एग्जाम है, मैंने इसको बोल दिया, अब मैं कैसे मना कर सकता हूँ? इधर दिखा। यार पूजो मेरी बात, मैं फोन लगा रही हूँ, तू मना करेगा समझा? मैं और वैसे भी तू कमाता है कितना है? इस घर में मेरी चलती है और मेरी ही चलेगी, क्योंकि इस घर का सारा खर्चा जो है ना मैं संभालती हूँ। मैं पूछे लेकिन मैं उससे कैसे मना करूं? मैंने उसको जैसे तूने हाँ किया है ना वैसे ही मना कर। यार छोटी सी बात कैसे इतनी बड़ी बात कर दी तुमने पूजा? वो सिर्फ एक दो हफ्ते रहेगी फिर चली जाएगी। एक दो हफ्ता? तू एक दो हफ्ते को कुछ नहीं समझता क्या? पूरे 20,000 का खर्चा रहता है एक हफ्ते का। तुझे क्या पता होगा खर्चे का, कुछ लाता हो तो पता भी चले। कुल 8,000 रुपए कमाता है तू महीने के, और मेरी सैलरी है 60,000 रुपए। ये पकड़ फोन और मना कर अभी के अभी। पकड़ इसे, समझ नहीं आता एक बार का। छोटी वो मैं बोल रहा था कि मैं और तेरी भाभी तो एक हफ्ते के लिए बाहर जा रहे हैं, तो तू घर पर आकर क्या करेगी? हाँ 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 नहीं, अगर ऐसी बात नहीं है, अगर हम घर पर होते तो मैं बुला। बस अब समझ जाएगी कि उन्हें बुलाना नहीं है। और सुन, आगे से ना कोई ऐसा काम मत करियो जो मेरा दिमाग खर्च करना पड़े यहाँ पे, क्योंकि मैं वहां ना ड्यूटी पे बहुत दिमाग चलाती हूँ। बर्तन तोड़ने का इरादा है क्या? अरे वो मैं फोन चला रहा था तो वो अचानक से देखा नहीं गिर गया। क्यों? क्यों नहीं देखा? और क्या है इस फोन में जो तूने बर्तन तोड़ने की सोच ली? तुझे पता है कहाँ से आते हैं? यार पूजा ऑफिस की जरूरी मीटिंग थी, उसमें बात कर रहा था, गिलास ही तो है यार इसमें इतनी। तू इतनी मुझोरी मत क्या कर मुझसे। तो क्या है, क्या है ऑफिस में, क्या है ऑफिस में जो बर्तन तोड़ने पे लगा हुआ है? यार तुम्हारे भी काम होते हैं ना पर्सनली, हमारे भी काम हो सकता है एक गिलास। तो मैं किसी भी घर की चीज को नुकसान नहीं पहुंचाती हूँ अगर मेरा कोई काम होता है तो। यार वो स्टील का गिलास है, वो टूटेगा नहीं यार। अच्छा टूटेगा नहीं, तो तूने तोड़ने की सोची है? अगर अभी इसमें गड्ढा पड़ जाता तो हो जाता ना बेकार। यार पूजा तुम 24 घंटे लड़ने के मूड में क्यों रहती हो? कभी प्यार से ही बात कर सकते हैं ना हम दोनों। मैं ऐसी ही हूँ, मैं कभी प्यार से बात नहीं करती, समझ गया ना तू? देख मुझे ना बहुत हो गया तुझे झेलते झेलते, अब निकल यहाँ से, मैं और बर्दाश्त नहीं करूंगी तुझे, मेरे घर से निकल जा। क्या मतलब पूजा तुम्हें होश भी, तुम क्या कह रही हो? हाँ मुझे होश है, और होश में आने की जरूरत ही क्या है? मैं अपने घर से निकाल रही हूँ तुझे, कोई तेरे बाप का घर नहीं है ये, तुम्हारा खुद की कमाई से खरीदा था मैंने ये। तुम्हारा हस्बैंड हूँ मैं यार पूजा, मैं कुछ बोलता नहीं, इसका मतलब ये नहीं तुम कुछ भी करे जाओगी। तो हस्बैंड तो घर की चीजें तोड़ेगा क्या? यार गिलास के ऊपर इतना बड़ा पंगा यार। गिलास का ही नहीं, तुम्हारा रोज का यही रहता है, खाना भी नहीं बनाया तुमने मेरे लिए, मैं क्या खाऊंगी? यार मैं खाना अभी बना देता हूँ, बस मैं खाना बना देता हूँ तुम्हारे लिए। अभी इतनी देर में तेरा इंतजार करूंगी? खाना भी बना देता हूँ, अभी बना देता हूँ, बोला कितना बनता है जैसे कुछ जानता ही नहीं है। बहुत हो गया, रख इसे, ये भी मैंने दिलाया था।
पूजा मेरी बात तो सुनो, पूजा निकल यहाँ से, पूजा मेरी बात तो सुनो, निकल यहाँ से, निकल भैया, बस भाभी बस, क्या कर रही हो आप ये सब, तू तू यहाँ, तुझे तो यहाँ आने से मना किया था ना। अच्छा तो मुझे यहाँ आने से भैया ने नहीं आप मना करवा रही थी, क्योंकि आप भैया के साथ अपना मनचाहा कर सकें। ज्यादा बकवास मत कर और जैसे आई है ना वैसे चली जा, तेरे लिए यही ठीक होगा। बस भाभी बस, आप बहुत ज्यादा बोल रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप पुलिस वाली हो तो भैया के साथ कुछ भी करोगे। अरे भाई ये आपके पति हैं, पति। क्यों, तू होती कौन है हम दोनों की लाइफ में इंटरफेयर करने वाली? पूजा तुम ये कैसे बात कर रही हो, बहन है वो मेरी। तू तो चुप खड़ा रहे, तेरी तो बदौलत है यहाँ खड़ी है। क्या चाहता है, अपने घर वालों की नजरों में मुझे गिराना चाहता है क्या तू? भाभी आपको हमारी फैमिली पसंद नहीं थी, इसलिए हम लोग गाँव जाकर रहने लगे ताकि आप भैया के साथ खुश रह सको। लेकिन भाभी आप भैया के साथ इतना जुल्म कर रहे हो, इतना अत्याचार कर रहे हो उन पर। ये इसी लायक है, मैं इसीलिए ना इसके साथ ऐसा कुछ करती हूँ, और तू चली जा, तेरे लिए ये ठीक होगा, बोला ना तुझसे मैंने। बस भाभी बस, अब मैं और बर्दाश्त नहीं करूंगी। क्यों, तेरे बर्दाश्त करने या ना करने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, समझ आई तुझे? मुझे पता था आप कुछ ऐसा ही बोलोगे, इसलिए आप ये जो अंदर ड्रामा कर रही थी ना, मैंने ये सारी रिकॉर्डिंग अपने फोन में कर ली है और सारी ग्रुप में शेयर कर दी है। मैं बोल रही हूँ अभी के अभी इस वीडियो को डिलीट कर। आप क्या सोच रहे हो मेरे डिलीट करने से डिलीट हो जाएगी? जितने ग्रुपों में मैंने शेयर की है ना, उन लोगों ने भी काफी ग्रुपों में शेयर कर चुके हैं, और ये आपकी पुलिस की वर्दी बहुत गुरूर है ना आपको, इस पर 2 मिनटों में उतर जाएगी ये। सुनो इससे बोलो ये वीडियो डिलीट करे, अगर मेरी नौकरी गई ना तो मैं छोड़ूंगी नहीं तुम दोनों को। अब तो ये रहनी से रही, और भाभी आपको पता है ये भैया वही है जो आपके लिए पूरी फैमिली से लड़ चुके थे। हमारे पिताजी ने मना करा था कि आपसे शादी ये ना करें, लेकिन नहीं, भैया की जिद थी कि वो आपसे ही शादी करेंगे। मैं बोल रही हूँ ये भाषण मत दे, ये वीडियो डिलीट कर। नहीं बस पूजा बस, बहुत हो गया, तुम्हारे लिए पूरी पूरी फैमिली से लड़ गया मैं। सब चाहते थे कि तुम पुलिस वाली नौकरी ना करो, लेकिन मेरी जिद की वजह से मैंने बाबूजी से झगड़ा किया, माँ से झगड़ा किया, सबको छोड़कर तुम्हारे साथ यहाँ इस अनजान शहर में आ गया ताकि तुम और मैं खुश रह सके। लेकिन नहीं यार, तुम बिल्कुल बदल गई पूजा, अब तुम्हारा ये घर तुम्हें मुबारक, ये ना तुमसे दिल भर गया है, अब तुम रहो अपने घर में। अरे सुनो, चलो छोटी हम सब ठीक कर लेंगे। बस अब जो ठीक होना था हो गया। इसीलिए कहते हैं लोग कि अपनी नौकरी पर या अपने पैसे पर ज्यादा गुरूर नहीं करना चाहिए। रिश्तेदार तो छुटते ही छुटते हैं, कभी कभी अपने भी अपनों से दूर चले जाते हैं। मैंने भी आज ऐसा ही कर दिया। Sonodev Radio.